चलो लेट्स डू इट्स ऑलरेडी. थैंक यू फॉर द हार्ट्स. थैंक यू. हम ना बाद में लेते हैं क्वेश्चन. अब आज हम करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके सरेंडर एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट नहीं है, सरेंडर की एक वीडियो है मेरे यूट्यूब पे. आई ट्राई टू पुट इट ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है. सो वी विल बी डूइंग हीलिंग फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. नंबर वन, इट इज नॉट वर्किंग. नंबर टू, कोई ब्लॉकेज है, चाहे फेलोपियन ट्यूब में, चाहे एग फॉर्मेशन में, चाहे यूट्रस में. नंबर थ्री, कोई सिस्ट है पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कहीं पे भी सिस्ट है. नंबर फोर, पीरियड्स में इशू है. नंबर फाइव, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सिस्टम से कंसर्न इश्यूज हैं, ब्लॉकेज के फॉर्म में, नॉन वर्किंग के फॉर्म में, एनी फॉर्म में, ठीक है, वी विल बी डूइंग इट. लेट्स डू इट. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गर्ल्स वाले में फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, यूट्रस होता है, बस यही तो होता है. ठीक है, लेट्स डू इट. क्योंकि मैं ना पता नहीं क्यों मैं डिटेल में नहीं जाती हूँ, मैं सिर्फ फील करती हूँ कि वो सिस्टम पूरा काम कर रहा है, डिवाइन लाइट पूरी फ्लो हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, ऑर्गन मस्त है, परफेक्ट है. जितनी भी अनवांटेड चीज़ें थी वो सब सूख के गिर गई हैं, डिटैच हो गई हैं. माई सिस्टम इज वर्किंग परफेक्टली फाइन. दैट शुड बी द फाइनल विजुअलाइजेशन. ठीक है, लेट्स डू इट. होपोनोपोनो स्टार्ट कर दो. मैं ये लगा देती हूँ, ओवरीज एंड एग्स. हाँ ठीक है, दिमाग मत लगाओ, सिस्टम पूरा वो हो जाए, दैट्स इट, वो इंटेंशन है. लेट्स डू इट, लेट्स डू इट. रिलैक्स, आप लोग शुरू करो. ओपन ओपन फिर मैं इंटेंशन देती हूँ. हे परमपिता परमात्मा भगवान जी, आई इनवोक ऑल द डिवाइन हीलिंग एनर्जीज इन द प्रेयर मीटिंग टुडे. वी आर 144 पीपल, वी ऑल आर हीलिंग टुगेदर. जितने बॉयज या मेन हैं वो लोग अपनी वाइफ या सिस्टर या मम्मा की हीलिंग कर लो. ठीक है. सो हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान जी, आई इनवोक ऑल द डिवाइन हीलिंग एनर्जीज हियर फॉर दिस हीलिंग सेशन. हमेशा की तरह आप अपनी डिवाइन एनर्जीज को भेजो प्लीज. हमेशा की तरह आप ही हीलिंग करो, क्योंकि आप ही हो परमात्मा, आप ही सब जानते हो किसको कितनी क्या हीलिंग देनी है, किसको क्या इशू है. तो आप या तो हीलिंग के फॉर्म में आप हीलिंग हील करोगे उनको, मुझे पता है, या आप उनको वो रास्ता दिखा दोगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है और क्या वर्कआउट करना है. थैंक यू सो मच हमें ये ज्ञान देने के लिए. थैंक यू सो मच हमारे साथ रोज रहने के लिए. थैंक यू सो मच हमारी हर हीलिंग में मदद करने के लिए. थैंक यू सो मच हम सब जो रोज यहाँ एक साथ इकट्ठे होते हैं, हम सबको सद्बुद्धि देने के लिए, हम सबको अवेयरनेस में लाने के लिए, हम सबकी लाइफ में जो भी थोड़ी बहुत हलचल शुरू हुई है उसकी अवेयरनेस लाने के लिए, हम सबको हीलिंग सिखाने के लिए, हम सबके साथ रहने के लिए, हमें पॉजिटिविटी देने के लिए. मन से बहुत 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 धन्यवाद. प्लीज़ 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 ये हीलिंग हम मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं हर उस महिला के लिए जो आज इस ग्रुप में है. मुझे मिला के हम सबका रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपरली काम करे, प्रॉपरली हील हो जाए, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज हो जाएं, और जो भी अनवांटेड अटैचमेंट्स या ग्रोथ हैं वो अपने आप ड्राई होके डिसॉल्व हो जाए. प्रभु, योर डिवाइन लाइट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, योर डिवाइन लाइट इज़ द मोस्ट पावरफुल लाइट इन दिस होल यूनिवर्स. और आपकी लाइट जहाँ जहाँ होती है वहाँ गंदगी, नेगेटिविटी, अनवांटेड स्टफ अपने आप डिजॉल्व हो जाता है. और आपकी एनर्जी जहाँ जहाँ होती है वहाँ की सारी ब्लॉकेजेस अपने आप खुल जाती हैं, वो सिस्टम अपने आप काम करने लग जाता है. मन से थैंक यू अपनी हीलिंग्स हमारे थ्रू हमें हील करने के लिए. थैंक यू सो मच. मैं सिर्फ और सिर्फ एक चैनल हूँ, मेरा कोई कर्म नहीं है, हम सबका भी कोई कर्म नहीं है. हाँ, हमारी जिम्मेदारियां हैं अपने कर्म को लेके, जिसकी वजह से हमने ये क्रिएट किया है. आज की हीलिंग में हमारा कोई कर्म नहीं है, आज की हीलिंग सिर्फ आप करेंगे और हम सिर्फ सब मिलके उसको ऑब्जर्व करेंगे और हील करेंगे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भगवान जी, आई लव यू. लेट्स स्टार्ट द हीलिंग. इमेजिन वी ऑल आर सिटिंग इन अ सर्कल होल्डिंग ईच अदर्स हैंड्स. वी विल स्टार्ट विद होपोनोपोनो एंड देन विल विजुअलाइज द होल सिस्टम. लेट्स प्रे. Start doing Ho'oponopono. My dear reproductive system, मन से सॉरी, जाने अनजाने अपने कर्मों के थ्रू और अपनी इग्नोरेंस के थ्रू और अपनी बैड फिजिकल हैबिट्स के थ्रू, खाने पीने की हैबिट्स के थ्रू, जाने अनजाने शायद मैंने इस सिस्टम को आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, नहीं समझा, सोचा कि बॉडी ऑटोमेटिक काम करती रहती है और बॉडी कभी
रेड सिग्नल्स नहीं देती है और शायद मैंने अनवांटेड काम किए हैं, शायद मैंने फॉर ग्रांटेड लिया आपको अनोइंगली। मन से क्षमा याचना, मन से क्षमा, मुझे पता है आपकी वैल्यू बहुत है इस पूरे बॉडी के कंप्लीट सिस्टम के अंदर। आप ही हो जो हमें हर तरह का प्लेजर देते हो, आप ही के सिस्टम से हम न्यू क्रिएशन, न्यू ह्यूमन बीइंग, न्यू बेबी पैदा करते हैं। मन से थैंक यू इस सिस्टम के लिए। आप हमेशा, आपका सिस्टम अंदर रहता है, बाहर कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिससे हम कोई सिस्टम फील हो सके, शायद इसलिए हम देख नहीं पाए, शायद इसलिए हमसे गलती हो गई। मन से सॉरी एंड मन से थैंक यू हमें फॉरगिव करने के लिए। थैंक यू सो मच इतने साल हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच इतने साल से मैं जो भी खा पी रही हूँ, जो भी हैबिट्स हैं, जो भी मेरा सिस्टम है वो प्रॉपर सिस्टम नहीं है, फिर भी आप प्रॉपरली काम कर रहे हो, फिर भी आपने अब तक मेरा पूरा साथ दिया है। आज से मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ है, आई अंडरस्टैंड, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और आज से मैं हर वो नेगेटिव चीज़ को रिलीज़ करती हूँ, कॉन्शियसली अपनी बॉडी का, अपने पूरी बॉडी के सारे इंटरनल सिस्टम्स का ध्यान रखूँगी, जिसमें आपका भी ये सिस्टम है, मैं ध्यान रखूँगी। ईच एंड एवरी सेल आई नो विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग नाउ बिकॉज डिवाइन लाइट आ रही है, डिवाइन लाइट इज़ कमिंग टू हील ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ माइंड। But tab tak, I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you. मन से हीलिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ एक्सेप्ट करो ईच एंड एवरी सेल ऑफ माई रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट द हीलिंग्स एंड फॉरगिव मी फॉर माई रॉन्ग डूइंग्स। टूडे द डिवाइन लाइट विल गिव यू द ब्लेसिंग, डिवाइन लाइट विल गो थ्रू, मूव थ्रू ईच एंड एवरी सेल जस्ट टू बी कन्फर्म दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फ्लॉलेसली, everything is working in free flowing, each and every cell is working beautifully. Divine light will keep a check, will heal each and every part of you inside. Divine light will also dissolve and release all the unwanted attachments, all the unwanted growth which has grown inside or outside the reproductive system. Man se थैंक्स कहते हैं और मन से सॉरी बोलती हूँ कि मेरे इस बिहेवियर की वजह से ये अनवांटेड ग्रोथ्स अटैच हो गई हैं आपके सिस्टम में। आज से मैं अपनी हर नेगेटिव एनर्जी और थॉट को रिलीज करूंगी ताकि वो अनवांटेड ग्रोथ डिजॉल्व होती जाए और ख़त्म हो जाए अपने आप, चाहे वो सिस्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो फाइब्रॉइड्स के फॉर्म में हो, जो भी मेडिकल नाम हो उन सब का। लेकिन हर वो चीज़ जो मेरे इस सिस्टम में रिक्वायर्ड नहीं है और नेचुरल नहीं मुझे मिली थी, बाद में आके अटैच हुई है, हर वो चीज़ जो मुझे सर्व नहीं कर रही है, मैं उस हर चीज़ को मन से रिलीज़ करती हूँ, फॉरगिव करती हूँ और रिलीज़ करती हूँ। ऑल माई होल सिस्टम इज वर्किंग 100% फाइन बिकॉज डिवाइन लाइट इज हीलिंग इट नाउ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and thank you. Start imagining divine light entering your crown chakra from the top of your head like a beam of light, is a torch ki beam hoti hai, directly seedhe andar jahan se aapka reproductive system start hota hai. So your fallopian tubes, agar diagram yaad hai, light is with the flashlight going as a beam inside the fallopian tube in the uterus. You can see when the light flows through that organ starts glowing.
ध्यान से उस ऑर्गन को लाइट के साथ देखो, वो ग्लो करता हुआ। अगर उसमें कोई ब्लॉकेज या स्टॉपेज होगी, वो आपको ब्लैक डॉट की तरह कुछ दिख जाएगा। जहाँ पे कुछ ब्लॉकेज दिखती है, वहाँ पे डिवाइन लाइट को काफ़ी देर तक जाते हुए देखो, इतनी देर तक जाते हुए देखो कि वो डिजॉल्व हो गई। सो डिवाइन लाइट इज हीलिंग, इट इज़ हीलिंग माई फिलोपियन ट्यूब्स, इट इज़ हीलिंग एंड वर्किंग ऑन द ट्यूब्स, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एग्स। Divine light is going inside the uterus. The uterus is full of light. Each and every cell is being touched by the divine light. Each and every cell is smiling at you because they have got their divine dose. They are happy that the final divine doctor, the final divine healing energy has come to their save them. Healing divine energy is inside the uterus, healing each and every cell now. It is going inside each and every cell, between each and every cell, between each and every cell. जो भी unwanted growth है, जो भी negativity है, जो भी cell sleeping है, जो भी cell deprived थे, जो भी cell बेहोश थे या काम नहीं कर पा रहे थे या बिना energy के थे, उन सब cells को energy मिल रही है और सारे पॉप अप हो गए हैं बलून की तरह, एक्टिव और हैप्पी हो गए हैं। दे ऑल हैव गॉट द एनर्जी। ईच एंड एवरी सेल इन एंड अराउंड द यूट्रस इज कम्प्लीटली पॉजिटिव, कम्प्लीटली हेल्दी। दे ऑल आर वर्किंग, दे ऑल आर हैप्पी, दे ऑल आर जंपिंग बिकॉज दे ऑल हैव रिसीव्ड द डिवाइन लाइट। दे आर सो हैप्पी एंड स्ट्रांग नाउ दैट द यूट्रस इज फीलिंग प्रॉपर स्ट्रांग। The divine light is moving around the uterus outside and checking if there is any extra growth of cyst or fibroids. If there is a fibroid, divine light is taking time to be on that fibroid. Divine light is strong. जैसे magnifying glass में से धूप की light कैसे strong निकलती है और paper को जला देती है, ऐसे डिवाइन लाइट की स्ट्रॉन्ग बीम फाइब्रॉइड्स और सिस्ट पे पड़ रही है और धीरे धीरे वो सिस्ट यूट्रस की वॉल को छोड़ के ड्राई होके गिर गया, नीचे गया मदर अर्थ में। एक एक सिस्ट और एक एक फाइब्रॉइड डिवाइन लाइट की उस बीम में सूख के जल के यूट्रस की वॉल से डिटैच हो गया। आराम से देखो माई यूट्रस के आसपास छोटी छोटी कुछ भी अनवांटेड चीजें दिख रही हैं, देखो उनको, ये अनवांटेड है। कुछ अलग सा लंप दिख रहा है, डिवाइन लाइट पड़ रही है। डिवाइन लाइट, अगर ये लंप मेरी बॉडी का हिस्सा है तो स्टे करे, ब्लेस इट। अगर ये लंप मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं है, अनवांटेड है, तो ये अभी ड्राई होके निकल जाए। अपने यूट्रस पे काम कर रहे हो तो आपको सेक्रल चक्रा पे नेवल के नीचे टिंगलिंग या गुदगुदी या प्रॉपर कुछ चल रहा है अंदर, फील होगा कि अंदर कुछ काम चल रहा है। निकालो जो भी चीज़ दिख रही है, आपको लगता है जिस किसी ने अपने एक्सरेज देखे हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे कुछ था, फोकस ऑन दैट इमेज एंड निकालो उसको। When divine light is at work, no stone is unturned. क्योंकि वो light है, light हर कोने में चली जाती है, light हर जगह, हर छुपे हुए organism को जो छुप रहा है और जो हमारे के लिए unwanted है, वो सबको divine light बाहर निकाल के dissolve कर देगी। पूरा uterus in and out बिल्कुल smooth हो गया, कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा लंप नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। बाहर भी अंदर भी प्रॉपर, यूट्रस के अंदर बैठ के फिलोपियन ट्यूब्स देखो, प्रॉपर वर्क कर रही हैं, या प्रॉपर हॉलो, कोई ब्लॉकेज नहीं है, प्रॉपर हॉलो, कोई ब्लॉकेज नहीं है। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द होल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ग्लोइंग इन डिवाइन लाइट। जस्ट चेक इट वंस अगेन हाउ इट लुक्स, प्लेन एंड स्मूथ एंड क्लियर।
hear it for few minutes more. Thank you, Divine Light, for going to each and every cell of the reproductive organ. Thank you for cleansing completely in and out. Thank you for clearing all the blockages. Thank you for clearing all the fibroids and cyst. Thank you for releasing all the unwanted things. Everything is dissolving now. I know the more and more I'm releasing, and more I'm asking for forgiveness from my system, and more I'm doing this healing every day. I know each and everything, whichever is even left once. जो मेरी अवेयरनेस से या मेरी आंखों से मैं नहीं देख पाई अभी, हर नई मेडिटेशन में हर वो नया प्रॉब्लम मुझे दिख जाएगा और मैं उसको हील करके रिलीज कर पाऊंगी. I'm happy for the healing. I know it's working. I know my whole reproductive system is strong now. Strong and ready for conceiving. Strong and healthy. I can see the periods coming on time, right way, right flow, everything in the right way. Reproductive system has come back to its factory settings. Jaisa divine ne mujhe gift kiya tha. It has come in the factory settings. Unknowingly, जो मैंने आसपास जितना भी गंद वाला अट्रैक कर लिया था, जितना भी अनवांटेड स्टफ मैंने अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास अट्रैक कर लिया था, with the forgiveness and with the daily practice, everything will dissolve immediately. I know divine light works immediately. I know it is 100% clean. But शायद मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, शायद मुझे फेथ नहीं हो पाता है, शायद मैं ढंग से विजुअलाइज नहीं कर पाई हूँ. बट आई प्रोमिस, आई कमिट टू माई बॉडी एंड माई सिस्टम कि मैं रेगुलर करूँगी, रेगुलर करके प्रैक्टिस लाऊंगी और हील करूँगी. एंड आई मेक श्योर कि मेरा सिस्टम मुझे विजुअलाइज में 100% क्लियर दिख जाए. आई मेक श्योर आई कीप प्रैक्टिसिंग एंड हीलिंग यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Thank you, Divine Light. I love you. Thank you for the healing. I'm so happy and grateful you have done this for us. Thank you so much for healing my reproductive system. Thank you. Thank you, thank you, thank you. I'm so grateful. My body is in love with you. My body loves, my each and every cell loves you. Each and every cell is happy now. The whole system is happy now. Everything is going in the free flow. All the blockages has been dissolved. All the cyst, fibroids, unwanted attachments, all are dissolved now. I'm so happy and grateful. I'm coming in the alignment now. Slowly, slowly, every day, practicing and working on my body with the awareness in the present moment, in the mindful way. I'm healing and I'm happily giving best to my body, back to her. Thank you so much, God. I love you. Thank you, thank you, thank you, thank you, Divine Light. Thank you, everyone. Thank you for this beautiful healing. I'm so proud of myself. I'm so proud of everyone else here. Everything is working out smoothly. Each and everything is working out smoothly. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. आ जाओ सारे वापस. विनीता कुमार ने लिखा है ही मैम. हाय मैम, सॉरी मुझे वो ही मैन याद आया. हेलो दी, लास्ट 7 मंथ से ओपन मेडिटेशन कर रही हूँ. बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं लेकिन अभी तक डिजायर्ड लाइफ पार्टनर नहीं मिला. प्लीज़ गाइड. रिलैक्स रूपाली, आपको नहीं पता कितनी हीलिंग कहाँ रिक्वायर्ड है. कीप डूइंग इट. अपना को टाइमलाइन मत दो. इतना कुछ ज़िंदगी भर में इतने साल से करते आ रहे हैं वो तो हमने टाइमलाइन नहीं लिया. इतना जो भंडारा भर के रखा है इतने सालों का, और फिर मन करता है